जंगे लड़ते आ रहे हैं पैंसठ भी हुई थी फिर जी। अब पैसठ में क्या हुआ था फिर पैंसठ में तो हम जीते थे ना पाकिस्तान जीता था या नहीं? पाकिस्तान जीता था फिर तो मेरा हिसाब से तो फिर श्रीनगर फिर श्रीनगर पे हिलाली पर्ची हो सकता था मेरे ख्याल से तो नहीं है जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारी वीडियो में और वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है कि इस बारे में कि हम पहले भारत को थोड़ा थोड़ा युद्ध हराने में थोड़ा सा चूक गए थे अगर अब युद्ध होता है तो हम ही जीतेंगे और कैसे मतलब अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं अपनी बातों के द्वारा बता रहे हैं कि कैसे इंडिया हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है हम आसानी से जो इंडिया को हरा सकते हैं और इन्हें बात भी समझ आ गई है कि भारत अब पाकिस्तान से दोस्ती करने वाला नहीं है बहुत बार भारत ने पाकिस्तान को मौका दिया है कुछ दोस्ती करने का कि चलो भाई दोस्ती कर लेते हैं लेकिन जब भी इनसे कुछ करने नहीं सोची है इन्होंने पीठ में छुरा गो पाए तब भी कुछ एग्जाम्पल्स है पुराने आप सभी को पता होगा बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं उस बारे में मैं आपको अगली वीडियो में अगली बार बताऊँगा तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं और वीडियो के बाद मैं फिर से आपको बात करूंगा तो चलिए वीडियो देख लेते हैं लड़ते आ रहे हैं पैंसठ भी हुई थी फिर अब पैंसठ में क्या हुआ था फिर पैंसठ में तो हम जीते थे ना पाकिस्तान जीता था या नहीं पाकिस्तान जीता था फिर तो मेरे हिसाब से तो फिर श्रीनगर फिर श्रीनगर पे हिलाली पर्चिम हो सकता था मेरे ख्याल से तो नहीं है चंगे लड़ते आ रहे हैं पैंसठ भी हुई थी फिर अब पैंसठ में क्या हुआ था फिर पैंसठ में तो हम जीते थे ना पाकिस्तान जीता था यानी पाकिस्तान जीता था फिर तो मेरे हिसाब से तो फिर श्रीनगर फिर श्रीनगर पे हिलाली परचिम हो सकता था मेरे ख्याल से तो नहीं है पर होगा अच्छा लहराएंगे परचम बाहर में परचम लहरा सकते थे जी अगर ये जीते होते तो अच्छा तो वो भी नहीं जीते यानी ये तो जितनी भी जंगें हुई हैं किस में सरेंडर किया किसी में विदड्रॉ किया कहीं तो पे अगर आपके जीत की डेफिनेशन है तो फिर तो यह है शायद सेवेंटी वन की जंग भी जीते थे जी जी, जी. ठीक है कि सिक्सटी फाइव में भी अनफॉर्चुनेटली ये ख़ुद पाकिस्तान के जर्नल कहते हैं आप और मैं नहीं कह रहे कई जर्नल कह चुके हैं रिटायर्ड कि हमने सारी जंगें हारी असगर खान जनरल असगर खान हुँ. के वीडियो वायरल हुए हुए हैं और जर्नल्स के हो सवाल ये नहीं है अनिश में सवाल ये है कि अपने आप से झूठ बोल के सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है खुद अपने आप हाँ को होता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मैं और आप खासतौर पर पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं तो हम कितना अपनी ओरिजिन के बारे में और अपने बारे में झूठ बोलेंगे क्योंकि उसका नुकसान किसको होगा प्रियजीत जी को तो नहीं होगा ना बिल्कुल हमें ही होगा और हमें ही हुआ है तो इससे अब बाहर आने की जरूरत सही है जो किताबें लिखी हैं दोनों ख़ासतौर पर जो साउथ एशियन कॉन्टेक्स के हवाले से प्रियजीत देव सरकार भाई ने और जो इनके आर्टिकल्स आते हैं जो सारे तो वो यही डिबेट है ये वो डिबेट है जो आप और मैं भी करते रहते हैं ठीक है और ये वो डिबेट प्रिय जीत हूँ आप हूँ मैं हूँ आज हम यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं तो हम तो बेहतरी चाहते हैं ना जी उस रीजन की जब बेहतरी की बात सोचेंगे तो जिस बात की तरफ इन्होंने इशारा किया डीप स्टेट की वजह से तो वो डीप स्टेट ने भी अब तक नुकसान ही पहुँचाया ना भारत तो नहीं टूटा ना बिल्कुल पाकिस्तान ही टूटा था ना जी तो किस को नुकसान हुआ था तो यानी कि जब दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी एक रूट कॉज होती है हमें वो आइडेंटिफाई करनी होती है और जब आप वो आइडेंटिफाई करके बताते हैं किताबों में या टॉक शोज़ में तो उसका मतलब होता है कि बेहतरी कैसे होगी जो आप जो आपका पॉइंट है कि बेहतरी तो आप भी चाहते हैं जी हम भी चाहते हैं ताहिर भाई चाहते हैं पूरी दुनिया चाहती है लेकिन बेहतरी हो नहीं पा रही हम अपने एक ऐसे नैरेटिव में फंस के रह गए कि हम दुनिया की नंबर वन फौज है और हमने सारी जंगें जीती हैं और हम दिल्ली पे परचम जामा मस्जिद पे जाके नमाज़ भी पढ़ेंगे और नाश्ता भी करेंगे ऐसा बच्चों तक के जहनों में डाला गया है आप, आप ये देखें कि ये कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं आपका बात बिल्कुल सही है लेकिन इसमें तो आवाम को भी उठ खड़ा होना पड़ेगा ना तो इफ़ इफ द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ सब्जुकेटेड बाई द एस्टेब्लिशमेंट तब तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड प्रॉब्लमेटिक क्योंकि असल जो आई थिंक द टू नेशन थ्योरी का यही है कि आपका देर इज एक्स फॉरन मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है पाकिस्तान का कि

तो जो मैं सोच की बात कर रहा हूँ जो बच्चों के दिमागों में डाली जा रही है जो मदरसे के बच्चों के डाली जा रही है और कॉन्वेंट के बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है कि हम नाश्ता करेंगे वहाँ दिल्ली जाके हम परचम लहराएंगे हम जवाब देंगे ए, ये दिस इज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल लेकिन आपको आपको मतलब ये मालूम होना चाहिए कि ये जो नैरेटिव एक फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के ज़रिए और पाकिस्तान के कंट्रोल्ड मीडिया के ज़रिए लोगों के दिलों में बसा दिया गया है उससे लोग समझते हैं कि ये मसीहा है हमारा फौज ये हमारी फ़ौज मसीह है और इसी इसी में हमारी बका है अगर ये ना हो तो शायद पाकिस्तान ना हो लेकिन ऐसा नहीं है अगर वो ये देखें कि उन उनकी जो एजुकेशन का बजट उनकी हेल्थ का बजट उनकी साफ़ पानी का बजट कौन खा रहा है तो वो उनको मालूम होगा कि हमारा मसीहा ये नहीं है बल्कि ये हमारा हमारा भी हक खा रही है और ये उसके साथ साथ ये दुनिया के तरबई दुनिया के जो हमारे जो सॉरी दुनिया तो छोड़ दें पड़ोस के जो मसाइल हैं उसकी वजह भी यही बन रहे हैं अब इस मसले को हल कैसे करें उस मसले का हल ये है कि हमें आ, इनको आ, इनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद हैं उसमें रखना पड़ेगा जो दायरे में वो अपने दायरे में रहें काम करें आई थिंक वी वी दिस कैन वर्क आउट देखिए वो, वो दायरे की हदूद की जो बात करें मैं उसमें ये करूँगा बाद आपने दो तीन दफ़ा बात की कि एक, एक ऐसा माइंड बन गया कि इनका ये ख्याल है कि वहाँ पर जाएंगे परचम लहराएँगे नाश्ता करेंगे नमाज पढ़ेंगे अगर ये परचम लहराने का आप छोड़ दें तो दोस्ती सही मानों से करें तो पाकिस्तान की आवाम को भारत में जा के नाश्ता करने या नमाज पढ़ने से भारत नहीं रोकेगा जी क्योंकि इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है हाँ तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा और वीडियो देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये बकवासी कर रहे हैं बता रहे हैं कि हमें अपनी कमी को ढूंढना होगा कहाँ से युद्ध में हारने की कमी रहती है कहाँ हम जो है हरा सकते दूसरे देश को और ये सोच तो इतना हमारी लड़ाई होती क्यों है अभी इन्हें इतनी चिंता हो ये सोच रहे हैं कि इतनी लड़ाइया होती क्यों है तो ये अपने आप को सुधार नहीं सकते बिल्कुल भी इन्होंने इतने ने भी इनको मौके दिए कि चलो तुम अभी सुधर जाओ अभी सुधर जाओगे तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा अभी फिलहाल में सभी को पता है कि पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है एक देश एफ ने इसको ग्रे लिस्ट किया हुआ है ग्रे लिस्ट अगर इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो ये बिल्कुल तबाह हो जाएगा मतलब कोई भी देश अगर एफ अगर ब्लैक लिस्ट कर देता है तो वो देश बिल्कुल तबाह इसका मतलब क्योंकि इनको एफ ने ग्रे लिस्ट कर दिया था इतनी गरीबी इनके देश में है इनकी राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ रही है इनका जर्नल देखे मंत्री देखे सब जो है लूट लेते देश को वो लूट के साइड में निकल जाते हैं ये चल रहा है इन देश में और ये बात करते रहते हैं इंडिया को हराने की अभी ये बता रहे हैं कि कैसे हम जीते थे इन्हें खुद नहीं पता है हम जीते थे कि हारे थे आपस में कन्फ्यूज़ है ये मोटे लाल जी जो बीच में बैठे हैं इनकी बातों पर मुझे बड़ी हँसी आ रही है जैसे फेस बना रहे हैं वीडियो स्टार्टिंग में आपने देखा तो बड़ी मतलब दयानीय स्थिति इनकी दिख रही है तो पाकिस्तान के बारे में आपको क्या लगता है कि देश कब तरक्की करेगा कब सुधरेगा सुधरेगा भी या नहीं तो आप हम एक बात कमेंट कर सकते हो तो हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं उनको एनालाइज करते हैं तो अच्छी अच्छी कमेंट क्या करो और हमारे चैनल एन जी न्यूज़ को सब्सक्राइब करो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों तब तक के लिए बाय मिलते एक नेक्स्ट और बेहतरीन वीडियो में जय हिंद जय भारत